राम राम जी। आज आप सभी का स्वागत है लाला जी का ढाबा में। आज हम आपको अपने ढाबा पे बनाया हुआ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारी ये रेसिपी आपको बढ़िया लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी आप मैं रेसिपी मेरा आप देखिएगा तो सारे में कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, वो आप देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख बताइए कि हमारा ट्रिक्स आपको समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए, हम पहले ब्रेड पकौड़े की फिलिंग भरेंगे। तो ब्रेड पकौड़े की फिलिंग के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, जार में हमने 8-10 मिर्चा दे दिया, थोड़ा अदरक और थोड़ा लहसुन, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम ग्राइंड कर देंगे। और इधर दूसरे तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें साबुत धनिया 4-5 चम्मच डाल दिए और 8-10 लाल मिर्च डाल दिया है। हम इसमें लाल मिर्च का प्रयोग कम करेंगे क्योंकि लाल मिर्च खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आपने देखा कि हम जार में भी हरी मिर्च ज़्यादा लिए, 8-10 पीस लिए थे। तो देखिए, पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का इसी में हमने इस मिक्सचर मिला दिया है। और हम आलू तो वैसे 4 किलो के करीब उबाले हैं, लेकिन हम इसमें समोसा ही बनाएंगे। तो उसी फीलिंग में हमको आपको हम दिखा रहे हैं कि आप अगर समोसा का आपके पास फीलिंग हो तो आप ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हल्दी 1 चम्मच डाल दिए और 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। बाकी मसाले तो आलू में मिल जाते हैं, लेकिन आप हल्दी जब डालें ना तो तेल में डालें, क्योंकि हल्दी आलू में डालने से नहीं मिल पाता उसका स्वाद। हल्दी हल्दी जैसा नज़र आएगा या खाने में स्वाद आपको पता लगेगा। तो इस वजह से आप ये हल्दी को तेल में डालें, ताकि ये तेल में हल्दी मेल्ट हो जाएगा और आलू में मिलने के बाद इसका खुशबू ख़त्म हो जाता है, ये खाली पिज़्ज़ापन रह जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मसाला भून रहे हैं। और जो हम आलू मैच करेंगे ना, तो समोसा के लिए तो हम मोटा मोटा मैच करते हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़ा के लिए हम आलू को एकदम महीन मैच करेंगे, ताकि जो ब्रेड पीस पे लेयर डालेंगे वो आराम से चिपक जाए उसके साथ और प्लेन रहे, ताकि दोनों पीस एक में चिपक जाए और ब्रेड पकौड़ा सीधा सीधा सुंदर बने। तो ये देखिए, हमारा आलू भुन गया और इसके ऊपर से हमने बहुत सारा धनिया डाल दिया है, और इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। जब आप ब्रेड पकौड़ा बनाएं तो ब्रेड पकौड़े का जो तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, तो उसका फ्लेम मीडियम से हाई होना चाहिए। समोसे के टाइम में तो आपको हम बताए थे कि लो से मीडियम होना चाहिए, लेकिन ब्रेड पकौड़ा में लोड से मीडियम नहीं होना चाहिए, ब्रेड पकौड़ा में मीडियम से हाई होना चाहिए, ताकि आपका ब्रेड पकौड़ा का बेसन तेज बिना निकले और ब्रेड पकौड़े का साथ उसमें उसका बेसन चिपका रहे। तो देखिए, हम 1 किलो बेसन लिए हैं और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और एक छोटा चम्मच से भी आधा डालेंगे सोडा, खाने वाला सोडा हम डालते हैं। तो 1 किलो ब्रेड 1 किलो बेसन में हमारा ब्रेड पकौड़ा 25-30 पीस बनता है, वो आपके बेसन घोलने के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को मिलाएंगे, ताकि इसमें दाना ना रह जाए। और देखिए, हम मिला रहे हैं, देखिए आपको दाना दिख रहा होगा, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना, अगर ज़्यादा डाल दिए तो दाना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपका जो बेसन का लेयर होता है, कितना मोटा है कितना पतला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 25, अगर थोड़ा सा मोटा आपका बेसन हो गया तो आपका 25 ब्रेड पकौड़ा बनेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो अगर इसका पतला थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 30 ब्रेड पकौड़ा बन जाएंगे। अगर इसी हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आपको 8 बनाना हो ब्रेड पकौड़ा तो लगभग 1 पाव बेसन लगेगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, थोड़ा सा सोडा डाल दिए पहले। और देखिए, जो हम आलू इस समोसे के लिए बनाए थे उसी में हम ब्रेड पकौड़े का मैचिंग कर रहे, देख रहे हैं, मिला रहे हैं ना इसको, इसका मतलब कि आलू दानेदार है और इसको हम बिल्कुल प्लेन कर देंगे, एकदम महीन महीन कर देंगे। तो इसी फीलिंग से हम अपना ये ब्रेड पकौड़ा भर देते हैं। तो इसी तरह से हम सारा ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग भर देंगे। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए
और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को यानी कि घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो आगे आपको वीडियो लोड करूं वो आपको मिले। और रोज हम एक एक नया नया रेसिपी डालते हैं, उसको आप रेगुलर देखते रहिए, और जो भी हमारा चीज़ पसंद है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो आपको नया कुछ बनवाना हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। तो देखिए हम ऐसे ही सारा ब्रेड पकौड़ा को भर देंगे। इसको देखिए हम बीचों बीच से काटते हैं, हाथ से पकड़ के बीचों बीच से एकदम काट देंगे। ये देखिए, अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो एक ब्रेड पकौड़ा छोटा बन जाएगा और एक ब्रेड पकौड़ा बड़ा बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन आप एक दो बार काटिएगा, और चाकू थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि कि ब्रेड टूटे नहीं। तो देखिए हमारा पेजिंग देख लीजिए कैसा हमने भर रखा है पूरा बराबर। तो अब ये देखिए, ये जो हम ये आप बेसन में हम जो ब्रेड पकौड़ा डाल रहे हैं वही ट्रिक्स देखना है आपको। देखिए हम कैसे हाथ को घुमा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको ब्रेड पकौड़ा दिखा रहा हूँ। ये देखिए ब्रेड डाला हमने और उठाया तो मेरा हाथ कैसे था, और देखिए बेसन लगा लिया तो मेरा हाथ कैसे, और डालते समय कैसे, ये पलटता रहेगा। इस वजह से हाथ हम पलटते हैं ताकि बेसन इस ब्रेड पे ही घूमता रहे, कढ़ाई में ना गिरे। ये देख रहे हैं आप, ये बेसन कढ़ाई में नहीं गिर रहा ना। तो ये देखिए मैं कैसे, और तीसरा ब्रेड देख लीजिए। ये देखिए हाथ को ऐसे रखा था, देखिए मैं कैसे किया, और डालते समय देखिए कैसे करता हूँ। ये इसका मेन ट्रिक सब ब्रेड पकौड़ा को कढ़ाई में डालने का। और हमारा फ्लेम तो मीडियम से हाई हाई है, और ऐसे ही हम सारा ब्रेड पकौड़ा को बना देंगे। देखिए एक मिनट के बाद हम इसको एक तरफ से पलट देंगे। और आपको अभी करारा करना है तो आप इसको 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे एक बार फिर पलटिएगा तो करारा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डबल फ्राई करते हैं, तो इसको अभी निकाल कर रख देते हैं। जब कस्टमर आता है तो हम लोग फिर डबल फ्राई करके करारा, ग्राहक मांगे तो करारा हम दे देते हैं, अगर ऐसा कोई ताज़ा ताज़ा खाने वाला है तो वैसे दे देते हैं। और एकदम ब्रेड पकौड़ा इतना सॉफ्ट बनता है और इतना स्वादिष्ट कि आप बोलिए कि हम ऐसा ब्रेड पकौड़ा हरदम बना के खाएं, या आप जहाँ से खाएं वैसे खाएं, या हम अपने घर पे बनाएं। ये देखिए फिर हम दूसरा चक्कर भी डाल रहे हैं, और हमारा हाथ का इशारा देखिए। ये देखिए हम तीन तो डाल चुके हैं, चौथा और डाल रहे। देखिए हाथ हमारा ऊपर से नीचे घूमता जाता है ताकि इसमें दाना नहीं आए आपके कढ़ाई में। तो ऐसे ही हम सारा ब्रेड पकौड़ा को बना देंगे। तो आप इस तरह का ब्रेड पकौड़ा अपने घर पे कब बना रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। जब तक के लिए राम राम।